हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अंजी यादव, लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोगों मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है, वो है मिनी मैराथन। मिनी मैराथन के माध्यम से बीपीएससी टीआरईटी के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं हम लोग, जिसमें प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, जीएस के जितने भी प्रश्न सब्जेक्ट आएंगे उनका विषयवार एमसीक्यू के रूप में संपूर्ण अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इसमें फिलहाल में। ये बीपीएससी टीआरटी 3 बिहार टीचर को टारगेट करके बनाया जा रहा है वीडियो। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इतिहास के 3 वीडियो और भूगोल के ये तीसरा वीडियो जा रहा है। इसी तरह करके क्रमिक रूप से सभी विषयों को विषयवार एमसीक्यू के रूप में आएगा। ये सब प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए पिछले सालों के प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में कोयले की खान स्थित है, झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदगा में। तो झारखंड में कोयले की खान झरिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, मैं प्रश्नों का व्याख्या नहीं कर रही हूँ क्योंकि व्याख्या करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसमें परीक्षा में बहुत टाइम कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए व्याख्या पर कम ध्यान दे रही हूँ। दूसरा प्रश्न है, भूमिगत गोले का दहन किस राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उपरोक्त में से कोई भी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो झारखंड राज्य में कोयले का दहन, भूमिगत कोयले का दहन होता है झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। तो झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है, तो वो सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में सर्वप्रथम तेल संकट ऊर्जा कब हुआ था, तो 1970 से 1980 के दौरान हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ ताबा उद्योग स्थापित है, तारापुर, टीटागांव, रांची, खेतड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ताबा उद्योग खेतड़ी में, राजस्थान के खेतड़ी में स्थापित है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, यह राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने की एक परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है, तो जिला मार्ग से भी नहीं होता है, राज्य के राज्य मार्ग से भी नहीं होता है और ग्रामीण सड़कों से भी नहीं होता है। 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था, 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, मारमुगाव पत्तन कहाँ पर स्थित है, तो गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रश्न इधर है, इधर है, पाट अचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो झारखंड में पाट अचल स्थित है। झूरी तलैया, जो झुमरी तलैया होती है, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध झारखंड राज्य है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो कच्छ का जिला सबसे बड़ा है। लेह का क्षेत्रफल 45,100 वर्ग किलोमीटर है, कच्छ का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है, जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर है,
और बाड़मेर का 28,387 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल है। तो लेह से बड़ा कच्छ गुजरात का है। असम कुल कितने राज्यों से मिल कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7। वो कौन कौन है आइए हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा है। गद्दी लोक निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के। बोडो निवासी कहाँ के हैं? गारो पहाड़ियों पर निवास करने वाले जनजाति हैं बोडो। गंगा का जलोढ़ मैदान, मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग कितने मीटर के नीचे तक है? वो 6,000 मीटर तक की होती है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन है? तो गंगा सबसे वह नदी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की 14,065 किलोमीटर है। नर्मदा की 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। नर्मदा की 1312 किलोमीटर है और महानदी की 851 किलोमीटर है लंबाई। गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, तीनों है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी या सहायक नदी है। मानस नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं जयमोली, तिस्ता, कामेघ, सुवनमेरी, धनसिरी, बूढ़ी, दिहांग, दिसांग, कोपली हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोड़ी से होकर जाती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोड़ी से होकर बहती है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी गुजरती है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी निकलती है, वही प्रश्न रिपीट हो गया, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किससे मिलती हैं? निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं ये दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसम मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? मतलब भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका क्या कारण है? स्थल समुद्र के विभेदी तापन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। करीबा मृतिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, कहाँ पे पाया जाता है? ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। रेंगड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किससे? बनारोपण करके। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था कितना? लगभग 31%। सारण की सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? निकलती है गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो ये गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है।
हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी या चिनाब या सिंधु या सतलज? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर। इसका ट्रिक है शिव का जोश। शिव का मतलब शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर, और जोश तो जो जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो शिव का जो शिव समुद्र कावेरी नदी पर स्थित है और जोगप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। पट्टी सीमा परियोजना निम्न में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से पट्टी सीमा परियोजना जुड़ी हुई है। हीराकुड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। मैंथाल, बेल पहाड़ी, अंतिलया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, किसको उगाने से है? विभिन्न मौसमों में दो फसलों के उगाने से है। युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से है। नगदी फसल सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, गेहूं, जूट, तो गेहूं नगदी फसल में नहीं आता है और कपास, गन्ना, जूट ये नगदी फसल है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? चावल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है? गिरनार की पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है। कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग इन पर चाय की बगान पाई जाती है, जबकि गिरनार की पहाड़ी पर चाय की बगान नहीं पाई जाती है। निम्न कॉफी उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? पुलनेज है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, कुर्ग भी कर्नाटक का भाग है, बाबा बुदनगिरी यही कर्नाटक का भाग है, जबकि पुलनेज ये कर्नाटक का भाग नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उत्पन्न उपलब्ध नहीं है? पंजाब में नहीं है, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन इसकी मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से। बड़ी लाइन के दो पटेलों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। मार मुगाओ पत्तन स्थित है गोवा में। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में। ECCO इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं, जो ये वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति के बारे में बताया गया है। तो कैम्बो की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप अमेरिका ये प्रवाल भित्तियों से ही बने हुए हैं, तो उसी के बारे में दिया है। ESSO इंडियन नेशनल सेंट्रल फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र कौन कौन है? कच्छ की खाड़ी है, मालवन क्षेत्र है, लक्षद्वीप है, मन्नार की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही होगा, कैम्बो की खाड़ी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आज के लिए इतना ही प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। यदि
ये भी बताइएगा कमेंट करके कि ये सेशन कैसा लगा और आप लोग किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।